सामुदायिक स्वास्थ्य सरदारपुर में आज कोरोना वैक्सीन के पहले डोज का शुभारंभ सरदारपुर विधायक एवं SDM सहित जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर में कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग, दीपक चौधरी सहित सामुदायिक स्वास्थ्य सरदार अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों द्वारा फीता काटकर वैक्सीन रूम का शुभारंभ किया गया एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। पहला टीका वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML जैन को लगाया गया। डॉक्टर ML जैन द्वारा पूर्व में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किए गए, गांव-गांव गली-गली जाकर लोगों को जागरूक किया एवं उनका उपचार किया। कोरोना का टीका लगाया जाने पर सभी अधिकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर छाई हुई है, सभी में उत्साह बना हुआ है। प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। जिन्हें वैक्सीन लगना है उन्हें पूर्व में सूचना विभाग द्वारा दी जाएगी। टीम भारती न्यूज़। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।